मेरे नबी ने फरमाया जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, और जिसने नमाज गिरा दी उसने दीन को गिरा दी। सहाबाए किराम से पूछा गया, सहाबा तुम्हें कैसे पता चलता था कि कौन सा शख्स मोमिन है और कौन सा शख्स काफिर है? मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क कैसे करते थे तुम लोग? सहाबाए किराम कहने लगे, फरमाने लगे कि हम फ़र्क नमाज से किया करते थे। मोमिन और काफिर के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो नमाज से किया करते थे। जो शख्स नमाज पढ़ता था हम समझ जाते थे ये मोमिन है, इसलिए तो नमाज पढ़ता है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता था हम समझ जाते थे ये काफिर है, इसलिए तो नमाज नहीं पढ़ता। हाय कयामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, हर बंदा हाय हाय की पुकार पुकार रहा होगा। उस दिन मेरा अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो, ये सुनते ही सब लोग सजदे में गिर जाएंगे। हाफिज, कारी, अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, गौस, कुतब, अब्दाल, साबी, ताबी, नबी, रसूल, पैगंबर, सब के सब सजदे में गिर जाएंगे, मगर एक बंदा सजदे में नहीं गिर पाएगा। एक शख्स सजदा नहीं कर सकेगा, ये वो होगा, ये वो बदबख्त इंसान होगा, ये वो बदबख्त शख्स होगा जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता होगा, जिसने दुनिया में अल्लाह को सजदा नहीं किया होगा, ये बेनमाजी इंसान होगा। सजदा करने की कोशिश भी करेगा, कोशिश करेगा, देखेगा सब ने सजदा किया हो, सब सजदे में गिरे पड़े, मगर खुद सजदा नहीं कर सकता, अकेला खड़ा है, सब सजदे में ये अकेला खड़ा है, सजदा नहीं कर सकता। अब ये सजदा करने की कोशिश करेगा, अकड़ जाएगा, सजदा नहीं कर पाएगा, बेनमाजी इंसान। फिर जिस सफ में फिरौन खड़ा होगा, जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ में हामान खड़ा होगा, जिस सफ में कारून खड़ा होगा, इस बेनमाजी को उसी सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। जवानों, हम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि वो कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा हो? तुम में से, हम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि कयामत के दिन वो नमरूद के साथ, हामान के साथ, उस शख्स को कारून के साथ खड़ा कर दिया जाए? बाकी कोई गवारा करे ना करे, मोमिन तो हरगिज गवारा नहीं करे। नहीं नहीं नहीं, हम में से कोई भी ये गवारा नहीं करेगा कि कयामत के दिन उसे फिरौन के साथ खड़ा कर दिया जाए। जिस सफ में फिरौन खड़ा हो, हामान खड़ा हो, कारून खड़ा हो, उसी सफ में किसी भी शख्स को खड़ा कर दिया जाए, हम में से कोई गवारा नहीं करेगा। अरे जब रात का दूसरा पहर आता है, जब तुम नरम नरम बिस्तरों में, गरम गरम बिस्तरों पे लेटे हुए होते हो, मज़े की सांसें ले रहे होते हो, मज़े की नींद कर रहे होते हो, गफलत की नींद में मुब्तला होते हो, उस वक्त पता है ये जो ऊँट है, ऊँट ये अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जितना शुक्र करूं उतना ही कम है कि तूने मुझे गधा नहीं बना। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे गधा नहीं बनाया। और गधा रात के दूसरे पहर अर्ज करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे गधा तो बनाया है, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया, मैं गधा तो हूं कुत्ता नहीं हूं, तेरे लाख लाख शुक्र है। जब रात का दूसरा पहर आता है तो यही कुत्ता मालिक के आगे अर्जी करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे कुत्ता तो बनाया है, खिंजीर नहीं बनाया। अब ऊंट कहता है, मालिक तूने मुझे ऊंट बनाया है, गधा नहीं बनाया। गधा कहता है, मालिक तेरे लाख लाख शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता कहता है, मालिक तेरे लाख लाख शुक्र है तूने मुझे कुत्ता तो बनाया है, खिंजीर नहीं बनाया। अब जब रात का दूसरा पहर आता है, जब तुम गरम गरम बिस्तरों पे मज़े की नींद सोए हुए होते हो, मज़े की सुकून ले रहे होते हो, ख्वाबों की दुनिया में गफलत में मुब्तला होते हो, गरम गरम बिस्तरों पे लेटे हुए होते हो, उधर से आवाज़ भी आ रही होती है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन तुम उठ नहीं पाते, मालिक की जात के आगे सजदा नहीं कर पाते, अजान की आवाज सुनते भी रहते हो, नमाज के लिए उठते नहीं,
पता है उस वक्त यही खंजीर मालिक के आगे अर्जी करता है, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे खंजीर तो बनाया है, बेनमाजी इंसान नहीं बना। आय हाय, तूने मुझे खंजीर तो बनाया है, बेनमाजी इंसान नहीं बना। आए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आज की नमाज पढ़ी कबूल हुई है या नहीं। हमने ये जो फजर की नमाज पढ़ी, हमने ये जो जुहर की नमाज पढ़ी, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है, आका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई भी है या नहीं हुई। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबी जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे तो पक्का यकीन कर लेना पिछली नमाज कबूल हो ही गई। फजर पड़ी है, जब जुहर नसीब हो जाए पक्का यकीन कर लेना फजर की नमाज कबूल हो गई। काफी लोग कहते हैं, शाह जी हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, मगर आप नमाज का जितना कह ले हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा, तू कौन है ना पढ़ने वाला, वो तुझे बुलाता ही नहीं, वो तुझे तौफीक सजदा देता ही नहीं, वो तुझे तौफीक सजदा देता ही नहीं। वो एक सरदार था और एक गुलाम था। जो सरदार था वो बेनमाजी था, जो गुलाम था वो पांचों वक्त का नमाजी था, पांचों वक्त का नमाजी। एक दिन ये दोनों कहीं जा रहे थे, अजान की आवाज होने लगी। अजान की आवाज सुनकर, रब का बुलावा सुनकर नमाजी गुलाम ने कहा, सरदार जी आप यहाँ ठहरिए, मैं जरा अल्लाह के हुजूर सजदा करके हूँ, मालिक को सजदा करके हूँ, नमाज पढ़ के। मालिक का बुलावा आ गया, आप यहाँ ठहरिए, अभी जाता हूँ, अभी आता। बेनमाजी जो सरदार था वो वहीं बैठ गया। अब ये गुलाम गया मस्जिद में, इसने वजू किया, वजू करने के बाद मस्जिद में गया, अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके से इसने नमाज अदा की, मालिक को सजदा किया, मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद इसने कुरान मजीद खोला, पढ़ने बैठ गया, कुरान मजीद पढ़ने बैठ गया। अब सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापसी घर को जा रहे थे। अब वो बेनमाजी सरदार बैठा इन सब लोगों को देख रहा था कि मेरा गुलाम कहाँ गया, सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस जा रहे हैं, गुलाम कहाँ मर गया। जब ये बैठा बैठा थका तो ये उठ पड़ा, इसने मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा, इस बेनमाजी सरदार ने, जहाँ जूते पड़े हुए होते हैं मस्जिद में, जहाँ जूते पड़े हुए होते हैं वहाँ खड़े होकर इस बेनमाजी सरदार ने आवाज दी, ओ गुलाम कहाँ मर गया है तू, सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापसी को जा रहे हैं और तू अभी अंदर मरा बैठा है, कहाँ मर गया, जल्दी बाहर निकल, कहाँ मर गया, जल्दी बाहर निकल, हमने आगे काफी सफर करना है। ओ गुलाम कहाँ मर गया है, कहाँ चला गया है, कहाँ बैठ गया है, अभी तक तेरी नमाज खत्म नहीं हुई है। जब उस गुलाम ने मालिक की आवाज सुनी, मालिक को जूते वाली जगह पे खड़े देखा तो उसने कुरान मजीद बंद किया, बंद करते हुए उसने कहा, सरदार जी मैं क्या करूं, जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वही खुदा मुझे मस्जिद से बाहर नहीं जाने देता, तुझे जूते वाली जगह खड़ा करके बुलवा रहा है, जो तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वो खुदा मुझे मस्जिद के बाहर नहीं जाने देता। ऐ बंदे, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिजक बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता फला शख्स मेरा ना फरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। उस सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पले रहता है क्या। काफी लोग आते हैं ना, कहते हैं शादी हमें कोई तवीज दो, औलाद नमाज नहीं पढ़ती। चलो हमारी तो औखी सोखी गुजर गई, हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हमारी औलाद तो नमाज पढ़े। मैंने कहा, बाबा जी जब तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते तुम्हारी औलाद नमाज क्यों पढ़े, जब तुम खुद पे नमाजी औलाद को कहते हो नमाज पढ़ो। बाबा जी मुझसे आ गया है तवीज मांगने के लिए, जो तवीज तुझे रसूलुल्लाह ने दिया था वो कौन सा बढ़ता है। फरमाया था, जब बेटा 7 साल का हो जाए तो उसकी उंगल पकड़ के मस्जिद तक ले जाना, मस्जिद में ले जाना, और जब 10 साल का हो जाए तो मार के नमाज पढ़वाना, तुमने वो तावीज कौन सा बढ़ता है। अब औलाद हो गई है जवान,
खुद हो बे नमाजी, खुद कभी नमाज के करीब नहीं गए। औलाद हो गई है जवान, अब तुम कहते हो नमाज पढ़ो, खुद बेनमाजी हो, खुद कभी पढ़ी नहीं। औलाद को कहते हो नमाज पढ़ो, आगे वो भी कहती है जा जा तू बड़ा हाजे नमाजी है, सानू कहता है नमाज पढ़। तो जो रसूल अल्लाह ने तुम्हें तवीज दिया था कि नन्हे से बेटे की उंगल पकड़कर मस्जिद में ले जाना, शुरू से ही बच्चे में नमाज की आदत डालना, अगर वो वाला तवीज अपनाते, वो वाला तवीज बरताते, तो आज ये नौबत ना आती। अल्लाह का एक नेक बंदा था, उसका गुजर एक खूबसूरत बस्ती से हुआ, खूबसूरत शहर से हुआ। आलीशान महल देखकर, आलीशान मकान देखकर हैरान रह गया कि इतने खूबसूरत घर देखकर, कहा सुबहान अल्लाह। आगे चला गया काफी अरसा बाद, जब उसका वापसी उसी रास्ते से गुजर हुआ, उसी बस्ती से गुजर हुआ, देखकर हैरान रह गया कि वही बस्ती आलीशान मकान मट्टी के साथ मट्टी हुए पड़े, मलबा पड़े, मट्टी के ढेर लगे पड़े। देखकर हैरान रह गया, यार यहाँ तो आलीशान महल थे, आलीशान मकान थे, कोठियां थी, खूबसूरत शहर था, अब शहर को क्या हो गया, क्यों वीरान हो? वहां एक अल्लाह के वली रहते थे। ये फकीर उस अल्लाह के वली के पास गया, पूछा बाबा जी एक वक्त था मैं यहाँ से गुजरा था, आलीशान मकान खूबसूरत महल्लात देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। आगे चला गया, कुछ अरसा बाद जब वापसी से मेरा गुजर हुआ तो देखकर हैरान रह गया, वो आलीशान बंगले, आलीशान महल, आलीशान मकान मट्टी के साथ मट्टी हुए पड़े, शहर का कोई नामो निशान नहीं, कहाँ गए सब लोग? उसने कहा बेटे ना पूछ हमारे शहर की दास्तान, ना पूछ हमारे शहर की कहानी, हमारे शहर से एक बेनमाजी शख्स का गुजर हुआ था, हमारे शहर से एक बेनमाजी शख्स का गुजर हुआ था, उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से हमारे शहर पर अल्लाह का अजाब आया, और इस तरह का अजाब आया कि सारी की सारी बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, सारी की सारी बस्ती वीरान हो गई। अब देख ले तेरे सामने मलबा पड़ा है, अरे अगर एक बेनमाजी का गुजर किसी शहर से हो तो सारा का सारा शहर बर्बाद हो जाता है। तो जिस घर में सारे के सारे लोग रहते भी बेनमाजी हो, उस घर में बरकतें कैसे हैं, उस घर में सुकून कैसे है, उस घर में करार कैसे है? हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या खूब अर्जी की थी, कहा ओ मेरे करीम रब, ओ अली को पैदा फरमाने वाले, अली को अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा बनाने वाले, अली को सोने मोहम्मद के कदमों पे बिठाने वाले रब, मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, मालिक मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत के, मैं तो तेरी बंदगी इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही बंदगी। एक शख्स हजरत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आया, कहने लगा हजरत आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी, एक नई कहानी सुनी। कहा जी क्या सुन? कहा आज जी मैंने आपके बारे में सुना है कि तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है, तू अल्लाह से बातें करता है और अल्लाह तेरे से बातें करता है। आपने फरमाया मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना। कहा जी वो कैसे? कहा मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान उठाता हूँ पढ़ने लग जाता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया हज़रत एक बात तो बताएं। कहा जी कौन सी बात? कहा आपको जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? जन्नत अजीज है या नमाज अजीज है? आपने फरमाया मियाँ मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है, और मुझे जन्नत से कहीं ज्यादा नमाज अजीज है, इसलिए कि जन्नत मेरी रजा है और नमाज मेरे सोने रब की रजा। आए आगे दुश्मन है पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन बाएं दुश्मन, हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है, हुसैन की तलवार चल रही है, दीन के दुश्मनों के गले काट रही है। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई।
यजीदियों में हलचल मच गई। जिस तलवार को प्यास न रोक सकी, जिस तलवार को भूख न रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को अली असगर का बचपना ना रोक सका, जिस तलवार को कासिम का लूटा हुआ शबाब ना रोक सका, वो तलवार अचानक कैसे रुक गई, अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। आए हाय, नमाज का वक्त हो गया था। तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते। ए हुसैन इब्न अली, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया चुप कर, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। नमाज तलवार चलाने से भी ज्यादा अहम। तुम लोग कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते। नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। हुसैन प्यासा है फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। तुम शरबत पी के नमाज छोड़ देते, ठंडा पानी पी के नमाज छोड़ देते। हुसैन भूखा है, नमाज नहीं छोड़ी। तुम पेट भर के भी नमाज छोड़ देते। एक फकीर था, दरवेश था, मुत्तकी परहेजगार था, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ ना, आंखों का ऑपरेशन, तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी। नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, आंखों पे बोझ पड़ेगा, आंखों पे वजन पड़ेगा, आंखें कहीं खराब ना हो जाए फिर से। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना। बाबा जी अस्पताल से घर आया, घर आते ही इसने क्या किया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, दो दिन, तीसरे दिन घर वाले बोल ही पड़े, ओ बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, डॉक्टर ने तो आपको नमाज पढ़ने से रोका था, खाना खाने से तो नहीं रोका था। बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था और खाना खाने से तो नहीं रोका था, खाना क्यों नहीं खाते? आए ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क़ खाते हुए मुझे शर्म आती है। बेटा जिस मालिक को सजदा भी नहीं कर सकता उसका दिया रिज़्क़ क्यों खाऊं? इमाम गजाली ने क्या खूब फरमाया था, फरमाया जब तू मालिक को सजदा नहीं करता फिर उसका दिया रिज़्क़ क्यों खाता है? जब तू नमाज नहीं पढ़ फिर मालिक का दिया रिज़्क़ क्यों खाते? फिर मालिक का रिज़्क़ खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ओ नादान, फिर तुझसे बेहतर तो वही कमियारों का खोता निकला, तुझसे बेहतर तो वही कमियारों का गधा निकला। अगर मालिक खोते को चारा ना डाले तो खोता पूरा दिन बाहर से चर कर आता है, शाम को नौकरी मालिक की करता है, पूरा दिन बाहर से, सारा दिन बाहर से चर कर आता है, शाम को नौकरी मालिक की करता है, किसी और की नहीं करता। पर मैं कितना नादान है तू, एक खाता भी मालिक का है, नाफरमानी भी मालिक ही करता है। ए बंदे तू उसकी फरमा बरदारी कर ना कर, उसको सजदा कर ना कर, वो तेरा भी ख्याल रखेगा, वो तेरे छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखे। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं मैं सुबह उन्हीं के हाथों में तेरा रिज़्क़ भेजता हूँ। एक नौजवान था, वो शेरों और बकरियों को इकट्ठा चरा रहा था, शेरों और बकरियों को इकट्ठा चरा रहा था। किसी अक्लमंद ने देखा, कहा ओ मियाँ ये शेरों की बकरियों के साथ कब से सुलह हो गई है? उस नौजवान ने कहा, मियाँ जब से मैंने अपने रब से सुलह की है ना, इन्होंने आपस में सुलह कर ली। जब से मेरी रब से सुलह हुई इन्होंने आपस में सुलह कर ली। ए बंदे नमाज बहुत जरूरी है पढ़ा कर, बहुत जरूरी है पढ़ा कर, कुछ मिले ना मिले मैंने सुना है रब जरूर मिलता है। और जब हर नमाजी और बेनमाजी ने मर जाना है तो फिर नमाजी होकर मरना बेहतर नहीं? जब हर नेक और बद ने मर जाना है तो फिर नेक होकर मरना कहीं ज्यादा बेहतर नहीं? आए उधर से आजान की आवाज हो रही होती है, इधर से मेरी कौम का नौजवान कहता, जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। आगे भी इस बात पर सुनने वाले भी सर हिलाते हैं जैसे कि इसने कोई बड़े फलसफे की बात कह डाली। जी दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया, दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया, ये वो शख्स कह रहा है जो मस्जिद में आता है तो आगे ठंडा और गर्म पानी दस्तियाब है। मौसम के लिहाज से ठंडा पानी दस्तियाब, गर्म पानी दस्तियाब, ऐसे लगे हुए हीटर लगे हुए,
ये वो शख्स कह रहा है दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, किबला जो मस्जिद के अंदर जाता है तो आगे ठंडा और गर्म माहौल दस्तियाब है, दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये वो शख्स कह रहा है जो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो आगे नरम नरम कालीने बिछी हुई मिलती, मखमली कालीन बिछी हुई मिलते, आए मखमली कालीनों पे खड़ा होके कयाम करने वाला, मखमली कालीनों पे खड़ा होके रुकू करने वाला, मखमली कालीनों पे बैठ के सजदे करने वाला शख्स कितने नाज और नखरे से कह रहा होता है जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूँ साहिब, दीन आज तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? और मियाँ जिनके लिए दीन मुश्किल था उन्होंने तो कहा ही नहीं कि दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो, तू खामखा कह रहा है दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तपती हुई रेत पर जिस बिलाल को लिटाया गया उस बिलाल ने तो नहीं कहा दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया, लोहे की कंगियों से जिनके बदन छेदे गए उस आशे के रसूल ने तो नहीं कहा था दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, अंगारों के ऊपर जिसको लिटाया गया उस बिलाल ने तो नहीं कहा दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया। आए उमैया बिलाल के सर पे कूड़े मारता है, पत्थर मारता है, बिलाल की जुबान पर आहत आहत के नगमे जारी हैं, उमैया बिलाल के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा रहा है, कूड़े बरसा रहा है, बिलाल नीचे से मुस्कुरा रहा है। एक शख्स वहां से गुजरा, उसने बिलाल का ये तमाशा देखा तो पूछ ही लिया, बिलाल तेरी भी अजीब कहानी है, और मालिक तुझे मारता है तू आगे से मुस्कुराता है, वजह क्या है? बिलाल ने कहा मेरा हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मिट्टी का प्याला खरीदने के लिए तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं कच्चा तो नहीं, पैसे देने हैं प्याला लेना है, ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। फरमाया मजलूम का हाल पूछने वाले और बिलाल का हाल पूछने वालों, तुम बाजार में मिट्टी का प्याला खरीदने जाओ तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। फरमाया आज मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे मालिक बिलाल को खरीद ले, खाल उतर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। इशा की नमाज पढ़े बगैर सोने वालों, कभी तुमने सोचा है अगर यही तुम्हारी आंख सुबह कब्र में जा खुली तो क्या करोगे? मखमली कंबल ओढ़ कर, दीन से मुंह मोड़ कर, नबी से रिश्ता तोड़ कर, गफलत की नींद सोने वालों, कभी तुमने सोचा है अगर सुबह उठते ही मुनकर नकीरों का सामना करना पड़ा तो क्या करोगे? हाय लोग ढूंढते रहे कामयाबी को, मुअज्जिन सारी जिंदगी कहता रहा हैया अलस्सला हैया अलफला, चले आओ नमाज की तरफ, चले आओ नमाज की तरफ। वो एक फकीर था, अल्लाह वाला था, दरवेश था, मुत्तकी परहेजगार था, अल्लाह का नेक बंदा था। उसने किसी जनाजे में शिरकत की, जनाजा पढ़ने के बाद मैयत को दफनाया, मैयत को दफनाने के बाद साथ में काफ़ी लोग खड़े हुए थे, उन लोगों में से एक नौजवान खड़ा हुआ था। इस बाबा जी ने नौजवान से पूछा, नौजवान एक बात तो बता। जी कौन सी बात? कहा मिसाल के तौर पर यही शख्स जो अभी मरा है, जिसको हमने अभी दफनाया है, अगर ये शख्स दोबारा दुनिया में आ भी जाए तो अब ये क्या करना पसंद करेगा? जिसका हमने अभी जनाजा पढ़ा है, जिसको हमने अभी दफनाया है, फातिहा पढ़ रहे हैं ऊपर से, अगर ये शख्स दोबारा दुनिया में पलट कर आ भी जाए, अल्लाह ताला इसे जिंदा कर दे, तो सबसे पहले ये क्या करना पसंद करेगा? उस नौजवान ने कहा हजरत, अगर ये दोबारा दुनिया में पलट कर आ भी जाए तो अब ये कुरान पढ़ना पसंद करे, अब ये नमाज पढ़ना पसंद करेगा, अब ये तहज्जुद पढ़ना पसंद करेगा, अब ये सरिदों पे सरिदे करना पसंद करेगा। आए ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई, बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे मरने वाला तो ये काम नहीं कर सका, तुम जरूर कर लेना, मरने वाला तो कुरान नहीं पढ़ सका, तुम जरूर पढ़ लेना, मरने वाला तो नमाज नहीं पढ़ सका, तुम जरूर पढ़ लेना, मरने वाला तो तहज्जुद नहीं पढ़ सका, तुम जरूर पढ़ लेना, आज मस्जिदें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां तुम्हारी मुंतजर हैं, ए नौजवान तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, क्या वजह है, क्या तकलीफ है, क्या अल्लाह ने तुझे चलने के लिए पांव नहीं दिए जो चलकर तू नमाज नहीं पढ़ता?
मैं एक डाइजेस्ट पढ़ रहा था, उसमें से एक ज़बरदस्त बात लिखी हुई थी। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। उस्ताद ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे आगे से पढ़ रहे थे। उस्ताद ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग मर चुके हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उस्ताद जी जो लोग काफिर हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, उस्ताद जी जिनको नमाज नहीं आती वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। आए बच्चे तो जवाब देकर फारिग हो गए, लेकिन उस्ताद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में होता। उस्ताद भी बेनमाजी था, उस्ताद सोचने पे मजबूर हो गए कि मेरा शुमार किन लोगों में होता है, और क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज नहीं पढ़ता, क्या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं काफिर हूं जो नमाज नहीं पढ़ता। दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना ले, हो सकता है ये नमाज तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है ये अजान तेरी जिंदगी की आखिरी अजान हो सकता है मियाँ तुझे तेरा रब आखिरी बार बुला रहा हो। जवानों, जब तुम अपनी बहन की शादी करते हो, जब तुम अपनी बेटी की शादी करते हो, तो उसे खाली हाथ रुख्सत क्यों कर देते। मियाँ, जिसने 20 साल तुम्हारे जूते पॉलिश किए, जितने 20 साल तुम्हारे कपड़े धोए, जूते साफ किए, आज जब उसकी रुख्सती का वक्त आया तुमने उसे खाली हाथ रुख्सत कर दिया। आप कह रहे होंगे, शाहजी हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन को सब कुछ दिया है, हमने तो अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, हमने 4 ट्रक जहेज के भी दे दिए, हमने जायदाद भी दी, हमने सोना भी दिया, हमने ज़मीन का टुकड़ा भी दे दिया, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, मियाँ तूने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, तूने अपनी बेटी को ज़मीन का टुकड़ा भी दे दिया, तूने अपनी बेटी को जायदाद भी दे दी, तूने अपनी बेटी को दौलत भी दे दी, तूने अपनी बेटी को जेवर भी दे दिए, 4 ट्रक जहेज के भी दे दिए, सोना भी दे दी, और तूने अपनी बेटी को सब कुछ दिया। ये बता कि तूने अपनी बेटी को नमाज भी दी है या नहीं दी, ये बता कि तूने अपनी बेटी को अल्लाह का इश्क भी दिया है या नहीं दिया। अगर तूने अपनी बेटी को नमाज दी है, अल्लाह का इश्क दिया है, तो सब कुछ दिया है। अगर तूने अपनी बेटी को नमाज नहीं दी, अल्लाह का प्यार नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया। अगर तूने अपनी बेटी को खुदा का खौफ नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया। आज तेरी बेटी खाली हाथ जा रही है। काश के तू अपनी बेटी को कुरान दे देता, काश के तू अपनी बेटी को नमाज दे देता, कुरान पढ़ा देता, नमाज सिखा देता, खुदा का खौफ दे देता, तो जब तेरी बेटी पे कोई बुरा वक्त आता तो तेरी बेटी तेरा सर खाने ना आती, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती, अपने दुखड़े मालिक को सुनाती, अपनी फरियादे मदीने के ताजदार को सुनाती। हजरत अली की टांग में तीर घुस गया, निकालते थे आपको दर्द होता था, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे इस कदर दर्द, टांग में तीर घुस गया। बड़ी कोशिश की निकालने की, एक तजर्बाकार इंसान है, उसने कहा ठहरो नमाज का वक्त हो लेने दो। नमाज का वक्त आया, अजान आई, हजरत अली ने नमाज नहीं थी, जब आप सजदे में गए भूल गए दर्द, जब सजदे में गए भूल गए दुनिया, भूल गए दुख, भूल गए दर्द, भूल गए तीर को, लोगों ने बड़े जोर से खींचा, तीर निकाल दिया, हजरत अली को जुम्बिश भी ना हुई, आपका जिस्म थर्रा भी ना उठा, कांपा भी नहीं, जोर से तीर खींच लिया। आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद पूछा, यार तुमने तीर नहीं निकाला। लोगों ने कहा, हजरत आपको पता नहीं, हमने तो तीर निकाल लिया, हमने तो बड़े जोर से तीर को खींचा, आपको जुम्बिश भी नहीं हुई, आपको दर्द नहीं हुआ, आपको पता नहीं था। कहने लगे, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाहो जलाल की कसम, मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि तुम लोग तीर निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे। किबला, नमाज कहते भी उसी को हैं कि आदमी खुद को भूल जाए, नमाज कहते भी उसी को हैं, नमाज के दौरान बंदा दुनिया को भूल जाए, अपनों को भूल जाए, परायों को भूल जाए, अल्लाह के साथ लैन मिला ले।
नमाज असल में है भी वही। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है, कौन सा ऐसा जुर्म हो गया है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो सर से लेकर आसमान तक रहमत इलाही घटा बनकर छा जाती। उस वक़्त फरिश्ते तुम्हें कहते हैं, ए बंदे एक बार अपने सामने देख तो सही, अगर तुझे ये पता चल जाए कि इस वक्त तू किससे मुखातिब है, अगर तुझे पता चल जाए कि इस वक्त तेरे सामने कौन खड़ा है, तो खुदा की कसम कयामत तक सजदे से अपना सर उठाए ना। अगर तुझे पता चल जाए तू किसके सामने खड़ा है, तेरे सामने कौन खड़ा है, कयामत तक सलाम फेरे ही ना। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजुल करीम, आप जब भी अजान की आवाज़ सुनते तो कांप जाते, चेहरा सुर्ख हो जाता, लरस जाते, कांप जाते। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, हज़रत आप जब भी अजान की आवाज़ सुनते हैं तो कांप क्यों जाते हैं, लरस क्यों जाते हैं, थर्रा क्यों उठते हैं, आपके चेहरे का रंग सुर्ख क्यों हो जाता है। ये सुनकर आप रो कर फरमाने लगे, मियाँ अजान की आवाज़ सुनकर कांप इसलिए जाता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आ गया है, ना जाने उसका हक अदा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँ। चुन ले मुझे भी अपने सजदा करने वालों में या रब, चुन ले मुझे भी अपने सजदा करने वालों में या रब, कब तक भागता रहूँगा तुझसे तेरी दुनिया। जवानों कयामत के दिन अगर इमाम हुसैन के साथ उठना चाहते हो तो खुदारा नमाज कभी ना छोड़ना, फिर नमाज के साथ दोस्ती लगा ले, नमाज के साथ यारी लगाना। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा जी चाहता है किसी को कहूँ अजान दे, किसी को कहूँ नमाज पढ़ाए, और मैं बस्तियों में निकल जाऊँ और देखूँ जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मेरा जी चाहता है उनके घरों को जाकर आग लगा दूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा जी चाहता है उनके घरों को जाकर आग लगा दूं जो लोग नमाज नहीं पढ़ते। हाय नबी ने तो सिर्फ चाहा है, आग नहीं लगाई, नबी ने सिर्फ चाहा है। अब नबी की चाहत पर अल्लाह ने जो हम पर आग लगाई है वो तुम्हारे सामने है। माल के होते हुए भी रातों को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, ये आग नहीं है तो क्या है। दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, दिल बेइत्मीनानी का सबब बना हुआ है, ये आग नहीं है तो क्या है। आखिर ये आग कैसे बुझेगी, ये आग कैसे बुझेगी। जवानों मालिक की चौखट पे आ जाओ, सजदे पे अपना सर झुका लो, खशियत इलाही में आकर खुदा के खौफ से एक आंसू निकाल लो, खुदा के खौफ से निकला हुआ एक आंसू इस आग को बुझा सकता है। फुर्सत नहीं हमें घर से मस्जिद तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से सीधा जन्नत में जाने की। जो शख्स पक्का नमाजी हो, अगर उसकी एक नमाज भी छूट जाए तो उसकी ज़िंदगी का जो चैन होता है ना वो लूट जाता है, जो करार होता है वो लूट जाता है। इसे सुकून नहीं आता, दिल बेचैन रहता है, दिल बेकरार रहता है। अब इस मर्ज की जो दवा है वो सिर्फ नमाज है। जब तक ये बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा इसे सुकून नहीं आएगा, जब तक ये बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा इसे करार नहीं आएगा, इसे चैन नहीं आएगा। नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिन की मेराज है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेक बनाए और एक बनाए। या अल्लाह हमें वो नेक काम करा दे जिस पर तू भी राज़ी हो जाए, तेरा हबीब भी राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।